हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीच फॉर यू। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 का लेसन 3.3। सो नाउ लेट्स सी द लेसन। स्टीफन हॉकिंग। नाउ आई एम गोइंग टू रीड अबाउट द स्टीफन हॉकिंग। सो हियर इज द इंट्रोडक्शन इज गिवन। 8th ऑफ जनवरी 1942 टू 14th ऑफ मार्च 2018 ही वाज एन इंग्लिश थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट, कॉस्मोलॉजिस्ट, author and director of research at the center of theoretical cosmology within the cambridge university। to wo cambridge university mein kya the, director the, author the, cosmologist the, physicist the। hawking was the first set out a theory of cosmology explained by the union of the general theory of relativity and quantum mechanism। okay, so yahan pe dekho hawking ne kya kiya tha, उन्होंने थ्योरी ऑफ कॉस्मोलॉजी को एक्सप्लेन किया था ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिविटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिज्म। नाउ रिलेटिविटी मीन्स जहाँ पे टाइम एंड स्पेस का रिलेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मोशन। ओके, एंड क्वांटम मैकेनिज्म मीन्स जिसको क्या बोलते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मशीन्स होती है उसका जो मैकेनिज्म होता है उसको हम बोलेंगे क्वांटम मैकेनिज्म। नाउ द नेक्स्ट इज Hawking was an honorary fellow of the Royal Society of Arts, a lifetime member of the Pontifical Academy of Science। Now it's not a pontifical, you can say it is a pontifical because here is a mistake in a book, you can correct it, it's a pontifical। तो वो एक pontifical जो academy थी science की उसके lifetime member रह चुके हैं and a recipient of the Presidential Medal of Freedom। उनको एक मेडल मिला है, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द यूएस, एंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी यूएस का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो भी उनको मिल चुका है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट लाइन। दिस लेसन गिव्स अस एन इनसाइट इनटू द ग्रेट साइंटिस्ट, हिज लाइफ एंड हिज वर्क्स। इस लेसन में उनके लाइफ के रिगार्डिंग, उनके वर्क के रिगार्डिंग हमको कुछ प्रोवाइड किया है। उनका जो कंट्रीब्यूशन था, उनके मतलब उनका वर्क कैसे था, वो कैसे वर्क करते थे, उसके बाद उसके लाइफ में कौन से डिफिकल्टीज आई, तो होल लाइफ उनकी डिपिक्ट की है इस लेसन में। नाउ आई एम गोइंग टू रीड अबाउट द नेक्स्ट लाइन। लेट्स सी हियर। स्टीफन हॉकिंग बॉर्न January 8, 1942 इज अ ब्रिटिश साइंटिस्ट, professor and author who has done groundbreaking work in physics and cosmology। so 1942 में उनका जन्म हुआ था और फिर वो एक author, professor and scientist थे because of his groundbreaking work। now groundbreaking का meaning होता है outstanding work। okay, so उनका एक ground मतलब जो groundbreaking work था physics and cosmology में, उसी की वजह से वो जाने माने scientist कहलाते थे। and whose books have helped to make science accessible to everyone। उन्हीं की वजह से जो theory of relativity, theory of जिसको बोलते cosmology, quantum mechanism, इसकी जो detailed study आज हम करते हैं वो उन्हीं के basis पे, because of Stephen Hawking का जो contribution था physics में and cosmology में, उसी की वजह से science इतना easily हम access कर सकते हैं। At the age of 21, while studying cosmology at the University of Cambridge, he was diagnosed with amyotrophic lateral sclerosis। जब वो 21 years के थे, जब वो Cambridge University में पढ़ाई कर रहे थे, तब ऐसे diagnose हुआ कि उनको एक बीमारी है जिसका नाम है amyotrophic lateral sclerosis। ये एक nervous system disease है, तो वो disease उनको diagnose हुआ था at the age of 21। Part of his life story was depicted in the 2014 film The Theory of Everything। उसके बाद 2014 में एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था The Theory of Everything, जिसमें उनके लाइफ को डिपिक्ट किया है। अभी डिपिक्ट का मीनिंग होता है दिखाना, उनके लाइफ को इंट्रोड्यूस किया है उस फिल्म में। Over the years Stephen Hawking has written or co-written a total of 15 books, a few of most noteworthy include। फिर ओवर द इयर्स कुछ साल मतलब कुछ सालों में उन्होंने कुछ बुक्स लिखे, कुछ बुक्स के वो को ऑथर थे, कुछ बुक्स उन्होंने खुद लिखे। को ऑथर यानी किसी के साथ कंट्रीब्यूशन में, मतलब वो गाइड करते रहे, कोई आगे वाला वहाँ पे उसको लिखता गया, सो दैट इज अ को रिटन वर्क। ओके, सो कुछ बुक्स के वो खुद ऑथर रह चुके हैं,
उन्होंने कुछ बुक खुद लिखी है, कुछ दूसरों के साथ मिलके लिखी है, मतलब उनका कंसेप्ट हुआ होगा वहां पे, और किसी और की मदद लेके उन्होंने उन बुक को लिखा है। सो टोटल 15 बुक्स ओवर द इयर्स रिलीज हो चुके हैं। ओवर द इयर्स 15 बुक्स को मार्केट में सेल किया गया है। अ फ्यू ऑफ द मोस्ट नोटवर्दी इंक्लूड, उसमें कुछ ऐसे किताबें हैं जिनको नोटवर्दी करके इंक्लूड किया है। नोटवर्दी यानी जिसको बोल सकते हैं कि कुछ नोट करने जैसे बुक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको बोल सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ बुक्स है जिनको हमें पढ़ना चाहिए, फिर जो इम्पोर्टेंट है साइंस के पर्सपेक्टिव से। नाउ लेट्स सी, अ फ्यू ऑफ द मोस्ट नोटवर्दी इंक्लूड द ग्रैंड डिजाइन, द यूनिवर्स इन अ नट शेप, द थियरी ऑफ एवरीथिंग। सो जो 15 किताबें लॉन्च हुई थी ओवर द ईयर्स, उसमें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट किताबें भी थी जिसको यहाँ पे मेंशन किया है। सो यू कैन सी दैट इन 1988 हॉकिंग कैटापुल्टेड टू इंटरनेशनल प्रोमिनेंस विद द पब्लिकेशन ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। 1988 में फिर से उनकी किताब लॉन्च हुई जिसका नाम था अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, एंड ये इस किताब को इंटरनेशनल प्रोमिनेंस मिला था। इंटरनेशनल प्रोमिनेंस का मीनिंग होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे वो बहुत ही प्रोमिनेंट मानी गई। देन द शॉर्ट इंफॉर्मेटिव बुक बिकेम एन अकाउंट ऑफ कॉस्मोलॉजी फॉर द मास्टर्स एंड ऑफर्ड एन ओवरव्यू ऑफ कॉस्मोलॉजी एंड स्पेस एंड टाइम। फिर जो किताब थी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, उसमें कुछ कंसेप्ट गिवन थे। कंसेप्ट ऑफ व्हाट? कंसेप्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम। एक शॉर्ट किताब थी, शॉर्ट कंसेप्ट के साथ वो किताब लॉन्च हुई थी। द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड फ्यूचर, उसमें एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड फ्यूचर को भी क्या किया था, नरेट किया था। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड फ्यूचर को भी उस किताब में डेबिट किया था। द वर्क वॉज एन इंस्टेंट सक्सेस, स्पेंडिंग मोर देन 4 ईयर्स अटॉप द लंडन संडे टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट। लंडन संडे टाइम्स ये जो है ये एक मैगजीन है लंडन की। सो लंडन संडे टाइम्स की जो मैगजीन है उस लिस्ट में, उस मैगजीन के लिस्ट में 4 ईयर्स तक टॉप करने वाली, जो टॉप रैंकिंग पे आने वाली एक किताब रही। नाउ सिंस इट्स पब्लिकेशन इट हैज सोल्ड मिलियंस ऑफ कॉपीज वर्ल्ड वाइड एंड बीन ट्रांसलेटेड इन टू मोर देन 40 लैंग्वेजेस। एक मल्टी लैंग्वेज किताब थी, 40 लैंग्वेजेस में उसका ट्रांसलेशन हो चुका था, एंड इसकी कितनी कॉपीज बिक चुकी थी, मिलियंस ऑफ कॉपीज वर्ल्ड वाइड। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ऑल्सो वॉजंट एज इजी टू अंडरस्टैंड एज सम हैड होप। जितना सामने वाला इस किताब को समझता था कि अंडरस्टैंड करने के लिए इजी है, बट उतनी अंडरस्टैंड करने के लायक वो किताब नहीं थी, बिकॉज इट माइट बी शॉर्ट बट वी कांट से द कंसेप्ट गिवन इन इट इज नॉट श्योर। ओके, बिकॉज ये देखने में छोटी किताब थी बट उसमें इतने कंसेप्ट शॉर्ट्स नहीं थे, उसको बोल सकते कॉम्प्लिकेटेड लेवल की किताब थी। सो इन 2001 हॉकिंग फॉलोड अप हिज बुक विद द यूनिवर्स इन अ नट शेप विच ऑफर्ड अ मोर इलस्ट्रेटेड गाइड टू कॉस्मोलॉजिस्ट बिग थेरी। उसके बाद 2001 में फिर से किताब लॉन्च हुई जिसका नाम हुआ द यूनिवर्स इन अ नट शेप, जिसमें क्या दिया था, गाइडेंस दिया था, गाइडेंस प्रोवाइड किया था रिलेटेड टू कॉस्मोलॉजिस्ट बिग थेरीज। कॉस्मोलॉजिस्ट की जो बिग थेरीज है उसका, उसकी कुछ गाइडलाइंस एक्सप्लेन की गई थी द यूनिवर्स इन अ नटशेल में। नाउ इन 2005 हॉकिंग ऑथर्ड द इवन मोर एक्सेसिबल अ ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम विच फर्दर सिंप्लीफाइड द ओरिजिनल वर्क कोर कंसेप्ट एंड टच अपॉन द न्यूएस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ लाइफ स्ट्रिंग थ्योरी। ओके, सो 2005 में जो किताब लॉन्च हुई थी उनकी अ ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम। ओके, सो 2005 में फिर से उनकी किताब लॉन्च हुई जिसका नाम था अ ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम, पब्लिश हुई अ ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम। इसमें कुछ और ज़्यादा एक्सेसिबल कंसेप्ट थे विच फर्दर सिंप्लीफाइड द ओरिजिनल वर्क्स कोर कंसेप्ट। इसमें कुछ कोर कंसेप्ट थे एंड टच अपॉन द न्यूएस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड लाइक स्ट्रिंग थ्योरी। स्ट्रिंग थ्योरी के कुछ न्यूएस्ट कंसेप्ट, कुछ न्यूएस्ट डेवलपमेंट के साथ ही किताब पब्लिश हुई थी, लॉन्च हुई थी। नाउ टुगेदर दिस थ्री बुक्स अलॉन्ग विथ हॉकिंग्स ओन रिसर्च एंड पेपर्स आर्टिकुलेट द फिजिसिस्ट पर्सनल सर्च फॉर साइंस होली ग्रेल। नाउ टुगेदर दिस थ्री बुक्स,
इन तीनों किताबों को मिलके अलोंग विद द हॉकिंग सून रिसर्च एंड पेपर, उनके कुछ पेपर मिला के, जो कुछ रिसर्च पेपर मिला के एंड इन तीन किताबों को मिला के आर्टिकुलेट द फिजिसिस्ट पर्सनल सर्च फॉर साइंस होली ग्रेल, इनके लिए मतलब बहुत ज्यादा मायने रखता था क्योंकि इन तीनों किताबों में एंड रिसर्च पेपर्स में इतना सारा कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड, स्ट्रिंग थ्योरी से रिलेटेड, रिलेटिविटी से रिलेटेड, क्वांटम मैकेनिज्म से रिलेटेड कुछ शॉर्ट कंसेप्ट, कुछ कोर कंसेप्ट, कुछ डेवलपमेंट गिवन थी। अ सिंगल यूनिफाइंग थ्योरी दैट कैन कंबाइन कॉस्मोलॉजी, मतलब उसमें कुछ ऐसी यूनिफाइंग थ्योरी थी जो क्या कर सकती थी, कंबाइन कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड थ्योरी उन किताबों में दी थी। द स्टडी ऑफ द बिग विथ क्वांटम मैकेनिज्म टू एक्सप्लेन हाउ द यूनिवर्स बिगैन, इसमें ये भी दिया था कि यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ, उसकी डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट हुई, यूनिवर्स का ओरिजिन कहाँ से है। इट्स दिस काइंड ऑफ एम्बिशियस थिंकिंग दैट हैज अलाउड हॉकिंग हु क्लेम्स ही कैन थिंक इन 11 डायमेंशंस, उसमें ये भी क्लेम किया था कि 11 डायमेंशंस में हॉकिंग थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं, टू ले आउट सेम बिग पॉसिबिलिटीज फॉर ह्यूमन काइंड। ही इज कन्विंस्ड दैट टाइम ट्रैवल इज पॉसिबल, उन्होंने ये भी थ्योरी लॉन्च की, उन्होंने इस भी थ्योरी को इंक्लूड किया था कि टाइम ट्रैवल इज पॉसिबल, टाइम भी ट्रैवल करता है, एंड दैट ह्यूमंस में इंडीड कॉलोनाइज अदर प्लैनेट्स इन द फ्यूचर, एंड फिर जो इंसान है वो किसी, मतलब हमारा जो भी प्लैनेट है अर्थ, इसको छोड़ के किसी और प्लैनेट पे जाने की, कॉलोनाइज होने की भी पॉसिबिलिटी उन्होंने बताई थी। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। नाउ इन सितंबर 2010 हॉकिंग स्पोक अगेंस्ट द आइडिया दैट गॉड कुड हैव क्रिएटेड द यूनिवर्स इन हिज बुक द ग्रैंड डिजाइन। 2010 में उनका बुक लॉन्च हुआ जिसका नाम था ग्रैंड डिजाइन। सो जब ये बुक पब्लिश हुआ, जब ये बुक लॉन्च हुआ, तब उन्होंने उसमें थेरी को एक नया, जिसको बोल सकते हैं कि एक नई थेरी उसमें थी, जिसको बोल सकते हैं सो गॉड कुड हैव क्रिएटेड द यूनिवर्स इन हिज बुक, इसके अगेंस्ट उन्होंने एक आइडिया को वहाँ पे, मतलब ही हैज स्पोकन अबाउट द आइडिया कि जो यूनिवर्स है वो क्रिएट नहीं किया है गॉड ने, इट हैज बीन क्रिएटेड बाय इटसेल्फ। ओके सो हॉकिंग प्रीवियसली आर्ग्यूड दैट बिलीफ इन अ क्रिएटर कुड बी कंपेटेबल विथ मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरीज, उनका बोलना था कि मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरीज उन्होंने जब सामने रखी तो उनका कहना था कि क्रिएटर जो, मतलब जो यूनिवर्स का क्रिएटर है वो गॉड नहीं है, जो यूनिवर्स है वो अपने आप से बना चुका है और जो यूनिवर्स है उसमें अपने आप का एक फोर्स है, अपने आप में कुछ थेरीज है जिसके बेसिस पे वो क्रिएट हुआ है, ना कि उसका कोई क्रिएटर है, ना ही उसकी डेवलपमेंट गॉड के बेसिस पे है। हिज न्यू वर्क हाउएवर कंक्लूडेड दैट द बिग बैंग वॉज द इनइवाइटेबल कंसिक्वेंस ऑफ द लॉज ऑफ फिजिक्स एंड नथिंग मोर। उनका जो न्यू वर्क था, कंक्लूडेड दैट द बिग बैंग वॉज इनइवाइटेबल कंसिक्वेंस ऑफ द लॉज ऑफ फिजिक्स एंड नथिंग मोर। जो बिग बैंग थ्योरी थी तो बिग बैंग थ्योरी के कुछ कंसिक्वेंसेस थे, कंसिक्वेंसेस यानी परिणाम, ओके, अनइवाइटेबल, अनकंट्रोलेबल, उसके कुछ कंसिक्वेंसेस थे ऑफ द लॉज ऑफ फिजिक्स एंड नथिंग मोर। बिकॉज देयर इज अ लॉ सच एज ग्रेविटी द यूनिवर्स कैन एंड विल क्रिएट इटसेल्फ फ्रॉम नथिंग, उनका बोलना था बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की लॉ की वजह से यूनिवर्स क्रिएट हो चुका है, बिकॉज यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें, प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स है, गैलेक्सीज है, स्टार्स है, मून्स है, एवरीथिंग जो भी यूनिवर्स में इंक्लूड होता है, जो भी यूनिवर्स में है वो है उनके फोर्स की वजह से, उनकी एनर्जीज की वजह से। तो उनकी कुछ मॉडर्न थेरीज है, कुछ थेरीज है उसके बेसिस पे वो यूनिवर्स क्रिएट हुआ है, ना कि उसका कोई क्रिएटर है, मतलब गॉड ने यूनिवर्स को क्रिएट नहीं किया, यही उनका बोलना था। उनका बोलना है द यूनिवर्स कैन एंड विल क्रिएट इटसेल्फ फ्रॉम नथिंग, मतलब अगर आप चाहो कि फिर से अगर कोई यूनिवर्स, मतलब दूसरा यूनिवर्स अगर बनने की कोशिश हो, या फिर दूसरा यूनिवर्स जो है वो बन सकता है फ्रॉम इटसेल्फ। ओके सो हॉकिंग सेड स्पॉन्टेनियस क्रिएशन इज द रीजन देयर इज अ समथिंग रादर देन नथिंग, इट मीन्स उनका बोलना था कि यूनिवर्स में कुछ तो है, ओके, देयर इज वट वी कैन समथिंग रादर देन नथिंग, मतलब यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, सोच सकते हो कि देर इज समथिंग रादर देन नथिंग, ओके, कुछ आप बोलते हो कि उसमें कुछ नहीं है, सो देर इज अ समथिंग, यू कैन से सम एनर्जी, सम फोर्स है, सो सम फिक्शन इज देयर,
उसकी वजह से यूनिवर्स क्रिएट हो चुका है. सो व्हाई द यूनिवर्स एग्जिस्ट, व्हाई वी एग्जिस्ट. उनका बोलना है कि यूनिवर्स क्यों एग्जिस्ट होता है और हम एग्जिस्ट क्यों है. सो द आंसर इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी. द ग्रैंड डिजाइन वॉज हॉकिंग्स फर्स्ट मेजर पब्लिकेशन इन ऑलमोस्ट अ डिकेड. 10 साल में उस किताब को काफी ज्यादा पहचान मिल चुकी थी. बुक का नाम था द ग्रैंड डिजाइन. Within his new work, Hawking set out to challenge Sir Isaac Newton's belief that the universe had to have been designed by God. Sir Isaac Newton का बोलना था कि the universe has been created by God. God is the only creator of the universe. But the Stephen Hawking said that the universe is created by itself. There is something rather than nothing. अपने आप में, मतलब अपने आप से ही यूनिवर्स क्रिएट हो चुका है. उसको किसी अदर थिंग की जरूरत नहीं. उसमें कुछ फोर्सेस है, कुछ एनर्जी है, कुछ फिक्शन है जिसकी वजह से वो यूनिवर्स बन चुका है. तो इसी पॉइंट के चलते स्टीफन हॉकिंग और आइजैक न्यूटन का क्या हुआ था, आर्ग्यूमेंट हुआ था. सिंपली बिकॉज इट कुड नॉट हैव बीन बॉर्न फ्रॉम क्योर्स. इट इज नॉट नेसेसरी टू इन्वोक गॉड टू लाइट द ब्लू टच पेपर एंड सेट द यूनिवर्स गोइंग. हॉकिंग से उन्होंने कहा है इट इज नॉट नेसेसरी टू इन्वोक गॉड. यहाँ पे गॉड को इन्वोक करने की, गॉड को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है. टू लाइट द ब्लू टच पेपर एंड सेट द यूनिवर्स गोइंग. ओके, सो यहाँ पे कोई गॉड का कंसेप्ट ही नहीं है. देर इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिविटी, देर इज द कंसेप्ट ऑफ कॉस्मोलॉजी. Hawking said, at the age of 21, Stephen Hawking was diagnosed with amyotrophic lateral sclerosis. मैंने पहले भी बोल चुकी हूँ कि amyotrophic lateral sclerosis का मीनिंग होता है एक नर्वस सिस्टम डिसीज, जो उनको जब वो पढ़ाई कर रहे थे एट द एज ऑफ 21 डायग्नोज हो चुका था. नाउ इन अ वेरी सिंपल सेंस द नर्व्स That control his muscles were shutting down. धीरे धीरे करके उनकी जो मसल्स थी वो शटिंग डाउन हो चुकी थी, मतलब काम करना बंद कर रही थी. At the time, doctors gave him 2.5 years to live. मतलब उनको जिंदा रहने के लिए डॉक्टर ने एक डेडलाइन दी थी कि आप ज्यादा से ज्यादा कितना ही जिंदा रहोगे, तो 2.5 years. Okay, now let's see the next. Hawking first began to notice problem with his physical health while he was at Oxford. So उनको मतलब उनके जो physical problem थे, उनकी condition में जो worsening आ रही थी ना, वो उन्होंने notice करना start कर दिया था जब वो Oxford में थे. So on occasion he would trip and fall or slur his speech. तब उस time क्या हुआ था कि Oxford में जब वो थे, conference चल रही थी, तो suddenly उनके बोलने में एक slurriness आ गया था and अब वो सडनली गिर गए. तब उनको पता चला कि अब मेरी जो कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा वर्स हो चुकी है. सो ही डिडंट लुक इनटू द प्रॉब्लम अंटिल 1963. तो 1963 तक वो अपने आप को कुछ देख नहीं, मतलब उन्होंने ऐसे जैसे ये रियलाइज नहीं किया था कि मुझे कुछ बीमारी है, या फिर वो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं उन्होंने किया था. लेकिन जब उनके अंदर एक सडन चेंज आना स्टार्ट हो गया, जैसे एक फिजिकल कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स हुई, तब उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि नहीं, अभी मेरी कंडीशन बहुत ही ज्यादा बुरी हो रही है. सो ड्यूरिंग हिज फर्स्ट ईयर एट द कैम्ब्रिज, फर्स्ट ईयर में थे जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो फर्स्ट ईयर में ये सब चीज़ होना स्टार्ट हो गया. सो फॉर द मोस्ट पार्ट हॉकिंग हैड केप्ट दिस सिम्टम्स टू हिमसेल्फ, बट व्हेन हिज फादर टुक नोटिस ऑफ द कंडीशंस, ही टुक हॉकिंग टू सी अ डॉक्टर. जब उनके फादर को पता चला कि उनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा वर्स हो चुकी है, या फिर वर्सनिंग कंडीशन में वो जा चुके हैं, तो उनके फादर ने डॉक्टर को इन्फॉर्म किया. ही टुक हॉकिंग टू सी अ डॉक्टर फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स. द 21 ईयर ओल्ड कॉलेज स्टूडेंट मेड हिज होम एट द मेडिकल क्लिनिक वेयर ही अंडरवेंट अ सीरीज ऑफ टेस्ट. नाउ उसके बाद उनके कुछ सीरीज ऑफ टेस्ट चले. जैसे कि कोई डिसीज जब डायग्नोज होता है तो वहाँ पे हमें कुछ टेस्ट करनी पड़ती है, तो उसी तरह से जब डायग्नोज हुआ कि इनको एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाला डिसीज, एक नर्वस सिस्टम डिसीज है, तो उनके कुछ हफ्ते भर में कुछ टेस्ट चले. सो दे टुक अ मसल सैंपल फ्रॉम माई आर्म, स्टक इलेक्ट्रोड्स इनटू मी एंड इंजेक्टेड सम रेडियो ओपेक फ्लूइड इनटू माई स्पाइन एंड वॉच इट गोइंग अप एंड डाउन विद एक्स रेज एज दे टिल्टेड द बेड, ही वंस सेड. After all that,
They didn't tell me what I had, except that it wasn't a multiple sclerosis and that I wasn't a typical case. Now, जैसे कोई बीमारी होती तो हमें पता है कि सैंपल्स लेने के लिए हमें अलग अलग टेस्ट करनी पड़ती है, कभी ब्लड निकाला जाता है, कभी शुगर टेस्ट किया जाता है, कभी बीपी टेस्ट की जाते हैं। तो उसी तरह से उनके भी कुछ टेस्ट चल रहे थे जिसमें मसल सैंपल्स लिए जा रहे थे उनके आर्म से, फिर कुछ इलेक्ट्रोड स्टक किए जा रहे थे उनके अंदर, फिर इंजेक्टेड किया जाता कुछ रेडियो एक्टिव फ्लूइड उनके बॉडी के अंदर, उनके स्पाइंस के अंदर, एंड वॉच इट गोइंग अप एंड डाउन विद एक्सरेज को ऑब्जर्व किया जा रहा था, क्या अप एंड डाउन कुछ चीजें जा रही है या नहीं। एज टिल्टेड द बेड ही वंस सेड, आफ्टर ऑल दैट दे डिडंट टेल मी व्हाट आई हैड। इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे उन्होंने बताया नहीं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अलावा भी कुछ मुझे हुआ है। तो एक एक रेयर केस था, एक अटिपिकल केस था उनके बारे में। इवेंचुअली हाउएवर डॉक्टर्स डिड डायग्नोज हॉकिंग विद द अर्ली स्टेजेस ऑफ ALS। उनका बोलना था कि अर्ली स्टेज है ALS की। इट वॉज डिवास्टेटिंग न्यूज फॉर हिम एंड हिज फैमिली। ये जब डायग्नोज हुआ पूरी तरह से, जब पता चला कि नहीं अभी बीमारी ALS ही है और एक अटिपिकल केस है, एक ऐसा सिम्टम्स है, या फिर 99% लोगों में, मतलब 0.1% लोगों को ही एक बीमारी होती है, उसमें भी ये बीमारी इनको हुई है, तो एक डिवास्टेटिंग था, सबके लिए शॉकिंग था, उनके फैमिली के लिए और उनके लिए भी। बट अ फ्यू इवेंट्स प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम बिकमिंग कम्प्लीटली डिस्पोंडेंट। ओके, द फर्स्ट ऑफ दिस कम वाइल हॉकिंग वॉज स्टिल इन द हॉस्पिटल। सबके लिए ये सारी जो चीजें थी वो डिस्पोंडेंट थी, निराश करने वाली चीजें थी। नाउ ही शेयर्ड अ रूम विद अ बॉय सफरिंग फ्रॉम ल्यूकेमिया। जब जैसे हॉस्पिटल होता है तो हॉस्पिटल में कुछ रूम्स होते हैं, फिर जो भी हॉल होता है जहाँ पे पेशेंट्स होते हैं, तो जब इनको एक पार्टनर मिला, एक रूम पार्टनर मिला, तो उसको एक डिसीज था ल्यूकेमिया करके। तो ल्यूकेमिया क्या होता है, मैलिग्नेंट प्रोग्रेसिव डिसीज इन विच द बोन मैरो एंड द अदर ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स प्रोड्यूस इंक्रीज नंबर ऑफ एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स। मतलब जो हमारा बोन मैरो होता है या फिर जो हमारा ब्लड ऑर्गन होता है, ब्लड प्रोड्यूस करने वाला जो ऑर्गन होता है, जैसे हार्ट हुआ या फिर और भी ज्यादा ऑर्गन है जो ब्लड प्रोड्यूस करते हैं, तो वहां पे अबनॉर्मल कैपेसिटीज में वाइट ब्लड सेल का इंक्रीज होना, उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। ओके, तो ल्यूकेमिया उसको हुआ था। रिलेटिव टू व्हाट हिज रूममेट वॉज गोइंग थ्रू, हॉकिंग लेटर रिफ्लेक्टेड हिज सिचुएशन सीम मोर टॉलरेबल। उसको देख के उनको रियलाइज हुआ, उस ल्यूकेमिया के पेशेंट को देख के स्टीफन हॉकिंग को ये रियलाइज हुआ कि मेरी कंडीशन तो इससे बेटर है, माय कंडीशन इज टॉलरेबल बट हिज कंडीशन इज नॉट टॉलरेबल। मतलब इस तरह से वो दर्द में तड़प रहा था। नॉट लॉन्ग आफ्टर ही वॉज रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल, हॉकिंग हैड अ ड्रीम दैट ही वॉज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। उन्होंने सोच लिया था कि जैसे ही मुझे यहाँ से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलेगा, तो जब मैं यहाँ से हॉस्पिटल से निकल जाऊंगा, तो जो मेरा ड्रीम है मुझे उसको एग्जीक्यूट करना है। He said this dream made him realize that there were still things to do with his life। और वही ड्रीम उनको रियलाइजेशन करवाता था बार बार, कुछ चीजें हैं जो बची है जो करनी है। इन अ सेंस हॉकिंग्स डिसीज हेल्प हिम बिकेम द नोटेड साइंटिस्ट। और जो चीजें उन्होंने तब की वो एक नोटेड साइंटिस्ट के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती थी। इन अ सेंस हॉकिंग्स This has helped him became the noted scientist he is today। हॉकिंग का कहना है कि उनका अभी जो नोटेड साइंटिस्ट जो हम उनको बोलते हैं, तो उसकी वजह उस मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिसीज का डायग्नोज होना ही है। सो द रीजन बिहाइंड द नोटेड साइंटिस्ट, जिसको हम नोटेड साइंटिस्ट आज बोल सकते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ द मल्टीपल स्क्लेरोसिस। जब उनको डायग्नोज हुआ तब उनको पता चला असली मायना उनका जिंदगी जीने का। सो बिफोर द डायग्नोसिस हॉकिंग हैडंट ऑलवेज फोकस ऑन हिज स्टडीज। डायग्नोसिस के पहले कभी उन्होंने इतना सीरियसली उनके स्टडीज को नहीं लिया, सीरियसली उन्होंने स्टडीज नहीं की। बिफोर माई कंडीशन वॉज डायग्नोज आई हैड बीन वेरी बोर्ड विथ माई लाइफ। उनका बोलना है कि जैसे डायग्नोज जब नहीं हुआ था, तो डायग्नोज होने के पहले मैं
काफी बोरिंग जिंदगी जी रहा था। सो ही सेड देयर हैड नॉट सीम टू बी एनीथिंग वर्थ डूइंग। मैंने कुछ खास ऐसा अपने जिंदगी में तब कुछ नहीं किया था। जैसे मुझे पता चला कि मुझे मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिसीज है एंड मैं 2.5 ईयर तक ही जिंदा रह सकता हूँ, तब मुझे एक असली वजह पता चली एंड तब मुझे पता चला कि अब जीने के लिए कुछ तो भी करना चाहिए। तब उनकी लाइफ में एक नया इंटरेस्ट क्रिएट हुआ था, तब उनकी लाइफ वर्थ बन चुकी थी। सो लॉन्ग इनफ टू अर्न हिज पीएचडी। उनका बोलना था कि मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं पीएचडी को अर्न कर पाऊँ। सो हॉकिंग पोर हिमसेल्फ इनटू हिज वर्क एंड रिसर्च। उनका बोलना है कि मैंने खुद को ही झोंक दिया था वर्क में एंड रिसर्च में। मतलब पूरी शिद्दत से वो वर्क कर रहे थे, पूरी शिद्दत से वो रिसर्च कर रहे थे। नाउ एज अ फिजिकल कंट्रोल ओवर हिज बॉडी डिमिनिश टू यूज अ व्हील चेयर बाय 1969। अब उनकी बॉडी की जो कंडीशन थी वो इतनी खराब हो चुकी थी कि अब वो व्हील चेयर पे आ गए थे। तो जब 1969 तक वो उनकी बॉडी इस तरह से डिमिनिश हो चुकी थी कि उनको अब व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ा। सो द इफेक्ट ऑफ हिज दिस स्टार्टेड टू शो द स्लो डाउन। उनकी बॉडी स्लो डाउन हो रही थी, वन बाय वन उनके बॉडी पार्ट स्लो डाउन हो रहे थे। सो ओवर टाइम हाउ एवर हॉकिंग्स एवर एक्सपांडिंग करियर वॉज अकॉम्पनीड बाय एंड एवर वर्सनिंग फिजिकल स्टेट। उनकी फिजिकल स्टेट वर्स होती जा रही थी एंड उनका जो करियर है वो ग्रो कर रहा था। तो बाय द मिड ऑफ 1970s द हॉकिंग फैमिली हैड टेकन इन वन ऑफ द हॉकिंग्स ग्रेजुएट स्टूडेंट टू हेल्प मैनेज हिज केयर एंड वर्क। उनकी फैमिली ने एक ग्रेजुएट स्टूडेंट को अलाउ किया, ग्रेजुएट स्टूडेंट को असिस्ट करने के लिए बोला ताकि जो हॉकिंग है वो उसके साथ अपनी स्टडीज को पूरा कर सके या फिर जो भी वर्क है वो उसके साथ कंप्लीट कर चुके। नाउ ही कुड स्टिल फीड हिमसेल्फ एंड गेट आउट ऑफ बेड। उनका बोलना था कि मैं तब तक अच्छा खासा अच्छा था कि मैं अपने हाथ से खा सकता था, अपने आप ही बेड से उतर सकता था, लेकिन फिर भी मेरे फैमिली ने मुझे असिस्ट करने के लिए एक ग्रेजुएट स्टूडेंट को अलाउ किया। नाउ नेक्स्ट, बट वर्चुअली एवरीथिंग एल्स रिक्वायर्ड असिस्टेंस। इन एडिशन स्पीच हैड बिकम इंक्रीजिंगली स्लर्ड डे बाय डे। उनका स्पीच भी स्लरी होते जा रहा था। सो दैट ओनली दोज हु न्यू हिम वेल कुड अंडरस्टैंड हिम। जो उनके नजदीकी वाले थे, जो उनको अच्छी तरह से समझते थे, उनको ही उनका बोलना, स्टीफन हॉकिंग का बोलना समझ में आ रहा था। सो इन 1985 ही लॉस्ट हिज वॉइस फॉर गुड फॉलोइंग अ ट्रैकियोटॉमी। नाउ ट्रैकियोटॉमी इज अ टर्म, इट इज गिवन हियर। नाउ यू कैन सी ट्रैकियोटॉमी एंड इनसिजन इन द वाइंड पाइप मेड टू रिलीव एंड ऑब्स्ट्रक्शन टू ब्रीदिंग। ओके, मतलब ट्रैकियोटॉमी का मीनिंग होता है कि जैसे हम सांस नहीं ले सकते या फिर हम बात नहीं कर सकते, तो गले से लेके नाक तक जो नली निकलती है ना, तो एक वो पाइप होता है, तो उस पाइप को इंसर्ट किया था। द रिजल्टिंग सिचुएशन रिक्वायर 24 आवर नर्सिंग केयर फॉर द अक्लेम्ड फिजिसिस्ट। मतलब उनको अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा था, एक नर्स की उनको हमेशा जरूरत पड़ती थी। 24 आवर्स उनको अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा था। सो इट ऑल्सो पुट इन पेरिल हॉकिंग्स एबिलिटी टू डू हिज वर्क। तो ये काफी दिक्कत पैदा कर रहे था। किसकी वजह, पेरिट का मीनिंग होता है दिक्कत पैदा करना या फिर बुरे हालात बन गए थे। तो उनके बहुत ही बुरे हालात बन गए थे क्योंकि अंडर ऑब्जर्वेशन में भी रहना था, नर्स उनकी टेक केयर करती थी। तो इन हालातों में उनका थोड़ा रिसर्च करना, स्टडी करना, उनको थोड़ी दिक्कत आती थी। सो द प्रेडिकमेंट कॉट द अटेंशन ऑफ द कैलिफोर्निया कंप्यूटर प्रोग्रामर हु हैड डेवलप अ स्पीकिंग प्रोग्राम दैट कुड बी डिरेक्टेड बाय हेड और आई मूवमेंट। तब क्या हुआ कि एक प्रेडिकामेंट जो होता है, मतलब उसको क्या बोल सकते हैं हम, कि एक प्रेडिकामेंट वहाँ पे कैप्चर हुआ कि अब जो कैलिफोर्निया के जो कंप्यूटर प्रोग्रामर थे, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के जो भी कंप्यूटर प्रोग्रामर थे, उनका बोलना था कि जो लोग बात नहीं कर सकते या फिर जिनकी मूवमेंट के थ्रू बात होनी चाहिए, एक सिंथेसाइजर हमें बनाना चाहिए, तो उसके ऊपर उनका एक अटेंशन गया। नाउ द इन्वेंशन अलाउड हॉकिंग टू सेलेक्ट वर्ड्स ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन दैट वेयर देन पास थ्रू अ स्पीच सिंथेसाइजर। फिर क्या हुआ,
इन्वेंशन अलाउड हॉकिंग टू सेलेक्ट. तो जब ये इन्वेंशन हुआ तो हॉकिंग का बात करना थोड़ा पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ स्पीच सिंथेसाइजर. मतलब जैसे हमारी नर्व्स के, जिसको हम बोलते हैं ना कि हमारा हेड एंड हमारे जो मूवमेंट होते हैं, तो सेंसर्स के थ्रू स्पीच सिंथेसाइजर के, स्पीच सिंथेसाइजर होता है उसके ऊपर हम देख सकते हैं कि सामने वाला इंसान क्या बोलना चाह रहा है, या फिर कौन मतलब वो वर्ड्स दिखने लगते हैं हमें. तो इस तरह का एक स्पीच सिंथेसाइजर जो कंप्यूटर प्रोग्रामर थे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बनाया. उसके थ्रू हॉकिंग का एक पॉसिबिलिटी बन गई थी कि वो अभी कम्युनिकेट कर पा रहे थे. सो एट द टाइम ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन, हॉकिंग्स हु स्टिल हैड यूज ऑफ हिज फिंगर सेलेक्टेड हिज वर्ड्स विद अ हैंड हेल्ड क्लिकर. तो अभी आपने देखा होगा कि प्रीवियस पेज में आप एक व्हील चेयर है और व्हील चेयर के साइड में ही एक क्लिकर है, हैंड क्लिकर, जैसे माउस होता है ना हमारा, तो उसी तरह से हैंड क्लिकर था. तो हैंड क्लिकर के थ्रू ही वो जब जैसे मूवमेंट करते थे हमारे उनके हाथों की या पैरों की, तो हैंड क्लिकर के थ्रू वो वर्ड्स स्क्रीन पे दिखते थे, स्क्रीन के ऊपर विजिबल होते थे, एंड उसी के थ्रू सामने वाले इंसान के साथ एक कम्युनिकेशन हो पा रहा था. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज. नाउ टुडे विद वर्चुअली ऑल कंट्रोल ऑफ हिज बॉडी गॉन, उनका बोलना है कि अब तक मेरे बॉडी का मतलब जो पूरा कंट्रोल था बॉडी के ऊपर का वो जा चुका था. हॉकिंग डायरेक्ट्स द प्रोग्राम थ्रू अ चेक मसल अटैच टू अ सेंसर. उनकी जो चिक मसल थी वो अटैच थी सेंसर को. तो अभी चिक मसल के अंदर ही खाली जान बची थी, चिक मसल के अंदर ही कुछ सेंसेशन बचे थे, तो उसके थ्रू ही वो स्क्रीन के ऊपर जो भी सिंथेसाइज होके जा रहा था वो स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो रहा था. तो सेंसर के थ्रू एक सिस्टम बनाई थी जिसके थ्रू अभी कम्युनिकेशन पॉसिबल था. सो थ्रू द प्रोग्राम एंड द हेल्प ऑफ असिस्टेंट स्टीफन हॉकिंग हैज कंटिन्यूड टू राइट एट द प्रोलिफिक रेट. ओके नाउ विद द हेल्प ऑफ असिस्टेंस, क्योंकि उनको अंडर ऑब्जर्वेशन ही रखना पड़ता था, तो एक असिस्टेंट उनको अलाउ किया था उनके लिए. तो जो असिस्टेंट था उनको साथ लेके उन्होंने जो भी उनका जो कंट्रीब्यूशन था, वो जो बोल रहे थे उनका मतलब बोल तो नहीं पा रहे थे, लेकिन जो भी वो असिस्ट कर रहे थे सामने वाले को, जो स्क्रीन के ऊपर विजिबल होता था, जो सेंसेशन निकल के आते थे उनके थ्रू वो सिंथेसाइज होके जो स्क्रीन के ऊपर विजिबल होता था, उसको लेके सामने वाला असिस्टेंट उसको लिख लेता था. हिज वर्क हैज इंक्लूडेड न्यूमरस साइंटिफिक पेपर्स. उनका जो रिसर्च वर्क था उसके ऊपर अभी काफी ज्यादा साइंटिफिक पेपर्स भी है ऑफ कोर्स, बट आल्सो इंफॉर्मेशन फॉर द नॉन साइंटिफिक कम्युनिटी. और कुछ इंफॉर्मेशन भी है नॉन साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए. हॉकिंग्स हेल्थ ऑफ कोर्स रिमेन्स अ कांस्टेंट कंसर्न, अ वरी दैट वाज हाइटेंड इन 2009. और उनकी हेल्थ काफी ज्यादा डे बाय डे खराब होती जा रही थी, एक वर्स कंडीशन में वो आ चुके थे, एंड एक वरी वहां पे हो रही थी उनके फैमिली को भी, और एक उनकी जो लेवल थी हेल्थ की वो बहुत ही ज्यादा हाइट क्रॉस कर गई थी. सो इन 2009 व्हेन ही फेल्ड टू अपीयर एट द कॉन्फ्रेंस इन अरिजोना बिकॉज ऑफ चेस्ट इन्फेक्शन, 2009 में जब एक कॉन्फ्रेंस चल रहा था एरिजोना में, तो चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से वो एक सडनली फॉल हो गए, मतलब सडन नीचे गिर गए. सो इन अप्रैल हॉकिंग हु हैड ऑलरेडी अनाउंस ही वॉज रिटायरिंग आफ्टर 30. तो फिर उसके बाद वो पहले हम यहाँ पे लेसन में गिवन है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी थे, तो एट द एज ऑफ 13 ये डिक्लेयर हो चुका था कि वो अभी रिटायर हो रहे हैं फ्रॉम द पोस्ट ऑफ लुकाशियन प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स. वो एक प्रोफेसर भी थे मैथमेटिक्स के, तो उस पोस्ट के ऊपर से अभी उनको रिटायरमेंट मिल चुकी थी. एट द कैम्ब्रिज वॉज रश टू द हॉस्पिटल फॉर बींग वॉट यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स डिस्क्राइब्स एज ग्रेवली, बिकॉज ग्रेवली इल का मीनिंग होता है बहुत ज्यादा बीमार होना. तो एकदम एट द एज ऑफ 30 उनकी एकदम से ही तबीयत जो थी वो वर्स हो चुकी थी, ग्रेवली इल वो हो चुके थे, बीमार पड़ चुके थे, तो इसकी वजह से उनका रिटायरमेंट हो गया. रिटायरमेंट के चलते अभी उनको हॉस्पिटलाइज भी कर दिया. नाउ लेटर अनाउंस दैट ही वॉज एक्सपेक्टेड टू मेक अ फुल रिकवरी. एंड फिर सबका यही बोलना था कि सब लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको एक अच्छे से मतलब वो उनका जो तबीयत है वो अच्छे से उसके अंदर सुधार आ जाए, एक रिकवरी वहां पे आ जाए.
सो इस तरह से ये लेसन था. नाउ आई होप दैट यू गॉट दिस. सो आई होप गाइज यू गॉट अंडरस्टैंड दिस लेसन. सो इस लेसन को वॉच करने के बाद इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, सो दैट नेक्स्ट लेसन में आपके लिए जल्दी से जल्दी ला सकूँ. सो थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग मी.